अभी लगाते ही सब कुछ नॉर्मल, ABS, न्यूट्रल की लाइट, ये सारी चीजें आ गई है, तो अब तक तो सब कुछ सही लग रहा है। बूसा को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले दबाना पड़ता है क्लच। I am captain. My passion is sea sailing and ships. I love my job as a master. I make vlogs in my free time to spread happiness and a healthy lifestyle. Hi guys, today is the first day after my sign off. और एक sailor sign off के बाद पहले दिन में क्या करता है? Unboxing करता है। किसकी unboxing करता है? अपने baggage की unboxing करता है। सारी चीजों को arrange कर देता है। वापस से back to normal life के लिए। तो वही काम अभी यहाँ पे चल रहा है। Fantastic. और कल मैंने शूट नहीं किया, मेरी कार की कंडीशन बहुत खराब थी, तो उसकी वॉशिंग वगैरह और एक छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। और अब नंबर आता है टैंक का, उसको भी रेडी करना पड़ेगा। बैटरी वगैरह डिसकनेक्टेड रखी थी। फटाफट मैं जिम करके आ गया, एक ना एक दिन आपको जरूर अपने जिम का टूर करा दूंगा। और अब टाइम है टैंक की अनबॉक्सिंग का। तो देखना यह है कि बूसा फर्स्ट इग्निशन में स्टार्ट होती है या नहीं। 3 महीने से ऐसी खड़ी है, बैटरी डिसकनेक्टेड रखी थी। तीन महीने में कुछ भी नहीं हुआ है बाइक को, हल्की फुल्की धूल यहाँ पे दिख रही है, दैट्स इट, जो कि एक सिंपल से वॉश से निकल जाएगा। बस ये हुआ है इसको 3 महीने में, बाकी बाइक वैसी की वैसी। मुंबई में जब निंजा को मैं पार्क करके जाता था तो मुझे यहाँ पे रस्ट वगैरह सारी चीज़ें दिखती थी, बट मैं इसको WD-40 मार के गया। आई थिंक पुणे में ह्यूमिडिटी कम है, तो बिल्कुल भी रस्ट वगैरह कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है बाइक में कहीं भी। पीछे के टायर में हवा कम लग रही है, आगे के टायर में ओके लग रही है। मुझे लगता है मे बी इस कील की वजह से धीरे धीरे हवा लीक कर गई होगी। अभी मैं इसमें हवा भर के देखूंगा। ऑफ कोर्स मेरे पास एयर पंप तो है, और वैसे भी इसमें डियाब्लो रोसो कोर्सा 2 आने वाला है, तो ये टायर तो ऐसे भी फिनिश अप। मैं टेप लगा के इसको डिसकनेक्ट करके गया था, सो दैट एक्सीडेंटली ये टच ना हो। अभी इसको करते हैं हम कनेक्ट। ये हो गया कनेक्ट, और अब आता है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। कनेक्ट करते ही इसने यहाँ पे टाइम दिखाना चालू कर दिया। ऑफ कोर्स सही टाइम मुझे सेट करना पड़ेगा। देखते क्या होता है, स्टार्ट होती है नहीं होती है। अभी लगाते ही सब कुछ नॉर्मल, ABS, न्यूट्रल की लाइट, ये सारी चीजें आ गई है, तो अब तक तो सब कुछ सही लग रहा है। बूसा को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले दबाना पड़ता है क्लच, आपको दबाना पड़ता है इग्निशन। देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं। माय गॉड, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, फर्स्ट किक में ये 3 महीने 10 दिन से खड़ी है ये बाइक, डिसकनेक्टेड बैटरी, और फर्स्ट बटन में एकदम नॉर्मल स्टार्ट हुई है। सुपर्ब। और मेरी वाइफ इसको देख के अमेज्ड है कि ये बाइक कैसे स्टार्ट हो गई। कम फास्ट, क्या है, क्या कर रहे हो? इसको स्कूल ले रिसीव करने जाता हूँ, रोज वॉक गोदी गोदी करती है। यू डोंट लाइक टू वॉक, पिक अप योर बैग। बेबी को स्कूल से लाने के बाद नॉर्मली आफ्टरनून में मेरी वाइफ और बेबी और कभी कभी मैं भी, हम लोग अच्छा खासा 1-2 घंटे सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि उसको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है योगा क्लासेस के लिए। और अब हो गई है शाम, और शाम का टाइम है, देखो हम क्या काम करते हैं। नहीं, नहीं। आ गई तू ब्लॉग में ऑलरेडी, ऑलरेडी आ गई। इनको देखो, नाटक देखो इनका, क्या काम है अभी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, स्कूटी में क्या काम है? स्कूटी में हवा भरना है, पेट्रोल भरना है, यही जा रहा है। और मेरा और मेरा मेरा क्या, मैट्रेस भी छोटा कर दिया, मैट्रेस एक्सटेंड करना है, मेरा पैर बाहर हो जाता है। तो जितना नाटक करेगी और खराब लगेगी। बराबर नॉर्मल सूट का अच्छी तो लग रही है, क्या पागल है। फिर मैं डेली व्लॉग कैसे करूंगा, डेली लाइफ में तू ही रहती है साथ में। खुद बस रेडी होके आ गया हीरो हीरो बन के। अरे पब्लिक को डिसाइड करने दो, भाई लोग कौन अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। ऑब्वियसली ये अच्छी लग रही है, लड़की अच्छी लगती है। What?
जानबूझ के ये ऐसे करता है सारा। चलो नो हेलमेट, बाजू में जा रहे, नॉट गुड, हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। स्कूटी राइड ऐसे शक्ल क्यों बनाती है? ब्यूटीफुल हमारा लोकेलिटी। पूरे 2 मिनट स्कूटी चलाने के बाद हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। भरा रही है इसमें अपने पेट्रोल। पेट्रोल का काम डन। अब देखते हैं इसकी स्कूटी में हवा भरना है या टायर चेंज करना है। अब मैं ही देखूं, मैं दोनों काम हो गए। इवनिंग में वाइफ के पीछे एक्टिवा में मतलब कितना मजा आ रहा है। इतना मजा तो भूसा में भी कभी नहीं आया। मैं ही देखूं। हां ओके ओके। गद्दे गद्दा गद्दे की शॉप किधर है? गद्दे की शॉप राइट साइड में, देखते रहो। हां देख रहा हूं देख रहा हूं। किसी ने मुझे पूछा है मेरे क्वेश्चंस में मेरी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच और इसकी हाइट है 5 फुट 7 इंच और इसने बेड को छोटा करके ऑलमोस्ट 6 फीट किया हुआ है, तो मेरे पैर ऑब्वियसली बाहर निकल जाते। तो हमें नया गद्दा तो नहीं लेना चाहते, हम इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, बट हम उसी गद्दे को एक्सटेंड करेंगे। 2 मिनट स्कूटी और चलाने के बाद हम पहुंच चुके हैं गद्दे की शॉप में। गद्दे की शॉप है रोड के उस तरफ, बट इसके यू टर्न में मुझे कोई भरोसा नहीं है तो हमने इधर ही पार्क कर दिया। Really? अभी बड़ा ले लिया नहीं, बेड वही है बट इनको छोटा करता। इसने गलती से कटवा दिया उसको, अभी मेरा पैर बाहर होता है तो अभी वापस से बना के उसको जोड़ने का। हाँ तो आपको आना पड़ेगा ना। अब ये खुद स्कूटी चला रहे हैं, बीबी पे भरोसा नहीं है इनको, बिल्कुल भरोसा नहीं है इतने ट्रैफिक में। और पहले दिन आप क्या करते हो यहाँ पे आके? फ्रूट सब्जी खरीदते हो क्योंकि तुम ही खाने वाले इंसान हो। घर में कोई कैप्टन नहीं, घर में हम कोई कैप्टन आप्टन कुछ नहीं। घर में ये कैप्टन ये काम करवाते सारे। आ गए वापस हम अपनी ब्यूटीफुल लोकेलिटी में और जा रहे घर। सिक्स फोर्टी फाइव दिस इज द टाइम वी हैव डिनर। नॉर्मली शिप में डिनर टाइम होता है 1800, हमारे घर में अबाउट 1900 तक हम लोग डेफिनेटली डिनर कर लेते हैं क्योंकि जल्दी डिनर करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। That's enough. और डिनर में नॉर्मली हम खाते हैं बहुत हेल्थी। It's pretty much like this every day. And we sleep early around 9:30 PM. With that, I will end this vlog. Stay fit, rest well, and I will see you on the next one. Good night.